सो हेलो गाइस, बस मैं उठ गई थी और बस मेरी पूजा हो गई है और बजे हैं समय 5:15। तो बस क्या कहते हैं, पूजा हो गई, अभी सब लोग सो रहे हैं। तो बस कहते हैं अभी मैं दिव्यांश को उठाऊंगी। और जीत तो कहते हैं आजकल जा नहीं रहा है स्कूल, क्योंकि उसका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो फिर अभी थोड़ी घर पे प्रिपरेशन कर रहा है। तो बस कहते हैं अभी ठंड लग रही है बहुत तेज़ और अभी हो रही है रात। अभी विंडो बंद है किचन की भी, तो बस सारी विंडो वगैरह बंद है। अभी ठंड काफ़ी हो रही है। तुलसा जी की पूजा हो गई है, मंदिर में पूजा हो गई है मेरी। और बस कहते हैं अभी हस्बैंड उठेंगे, दिव्यांश उठेगा, उसका लंच बनाऊंगी। लंच में देखूंगी क्या बनेगा। नाश्ते में बन रहे हैं जवे। तो बस यहाँ पे जवे मैंने भून लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं। और इधर आलू जो हैं वो गल रहे हैं जवों के लिए। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं मंदिर से और बस कहते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे। और देखिए पोलू आ गया है नीचे, ये देखिए नीचे आ गया इधर अंदर। और बस इधर चाय भी रेडी हो गई है गाइज, और यहाँ जवे गरम कर लिए हैं, और इधर सूर्य भगवान भी निकल आए हैं। सो एवरीवन, हस्बैंड चले गए हैं शॉप और क्या कहते हैं, मैं अभी बैठी हूँ। और आज कहते हैं लंच नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा बनाने का मन नहीं था। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है कि बनाने का मन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड का भी खाने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए दोपहर में कुछ भी बना लेना। तो बस बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं कुछ बना लूँगी। बच्चा मतलब एक बच्चा आएगा, एक तो घर पर ही है। तो बस क्या कहते हैं, मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और बस अब कहते थोड़े मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं, क्योंकि कल थर्सडे है, कल कपड़े धुलेंगे नहीं, तो आज ही मैंने मशीन लगा दी है। और बस किचन में भी ज़्यादा बर्तन नहीं, बस ब्रेकफास्ट के पड़े हुए हैं, तो बस मैं वही वॉश करूँगी अभी। और बाकी थोड़ा छिटपुट सामान है। और कल है देव उठान एकादशी, तो क्या कहते हैं देव उठान एकादशी पे हम उसकी पूजा करेंगे। और गाइस ये बताइएगा, तुलसी विवाह हम एकादशी पे करें या फिर द्वादशी पे? अभी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि द्वादशी पर करते हैं तुलसी विवाह करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब करें। वैसे तो हम लोग देवउठान एकादशी पे ही करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो फिर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कब कहते हैं तुलसी विवाह करें हम लोग। तो बस कहते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है अभी। और एकादशी का व्रत तो करना ही है कल, लेकिन तुलसी विवाह कब करना है ये अभी कुछ नहीं पता चल रहा। जहाँ तक है आई थिंक द्वादशी पर बता रहे हैं लोग, तो चलिए देखते हैं। और दोपहर को लंच में देखो वही कुछ राइस से रिलेटेड ही बनेगा, क्योंकि रोटी पराठे तो कोई नहीं खाने वाला। क्योंकि जिस दिन हस्बैंड कहते हैं शॉप पर टिफ़िन नहीं ले जाते, उस दिन ज़्यादातर खिचड़ी तायरी कुछ ऐसी कुछ बनता है। और बिना प्याज लहसुन का बनेगा तो फिर कुछ ऐसे ही बनेगा, खिचड़ी तायरी सादा सी। तो क्या कहते हैं बस यही होगा, और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग अभी है नहीं। और आज मुझे एक जगह फंक्शन में भी जाना था, शादी का वो जो था अछूता वो जो होता है उसमें जाना था, लेकिन वही बात है कि देखो लेट्स सी मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। टाइम तो वैसे 12:30 हो रहे हैं, क्योंकि लंच टाइम पर ही जाना होता है इसमें। लेट्स सी, देखते हैं। अगर जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। 2000 years later. हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। और बस मैं अछूते में गई थी जो मैं आपको बता रही थी। तो बस कहते हैं रैंडमली प्रोग्राम बन गया और मैं चली गई। उसके बाद मैं कज़िन के साथ अपने गई थी मार्केट, जो कि उसने मुझे इतना बकवास टहलाया है, इतना बकवास उसने मुझे 4 घंटे मार्केट में टहलाया। और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं लिया सडन, मतलब मेरे इतना पैरों में दर्द हो रहा है ना कि मैं कहता हूँ गुस्सा भी आ रही है बहुत तेज़। तो बस कुछ हुआ ही नहीं, मतलब लेने गई थी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने, लेकिन उसको कुछ पसंद ही नहीं आया पता नहीं क्यों। और मुझे 4 घंटे उसने वेस्ट करवाया मेरे। और मैं जस्ट अभी अभी तो नहीं, 15 मिनट हो गए मुझे घर पे आए हुए, और बच्चे भी जस्ट अभी आए हैं तो वो लोग भी लेटे हुए हैं। तो बस अब मैं मंदिर में दिया जलाऊंगी और उसके बाद देखो डिनर में क्या बनता है, आई डोंट नो।